हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वो टेक्निकल रीजंस जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको फंडामेंटल रीजंस की बात की और फंडामेंटल रीजंस में मैंने आपके साथ बात की कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं और जिस तरीके से बाकी कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़े हुए हैं तो महंगाई बढ़ सकती है। और कच्चा तेल ना केवल ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है बल्कि बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं जो हमारे ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो पार्ट्स बनते हैं उनके अंदर और बाकी जो भी ऐसे आइटम्स जो कि हमारे हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं उनके अंदर रॉ मटेरियल्स जो है वो वास्तव में क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से आता है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ों की कॉस्ट जो है बढ़ सकती है। तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो बीच में मध्यवर्ती वस्तु हैं उनके प्राइस बढ़ेंगे, उसके बाद फाइनल गुड्स की जो है प्राइस बढ़ेंगी, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन प्रेशर आ सकता है, जो मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर आपके साथ शीर्षक के दौरान जो है बात की। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ बात करूंगा टेक्निकल रीजंस के साथ कि क्या टेक्निकल रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे वीकनेस नज़र आ रही है। पिछले दो दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वो ऊपर खुलती तो है लेकिन बाजार नीचे आ जाते हैं, और स्पेशली डाउ जोन्स के अंदर अमेरिका के बाजारों में भी जो है महंगाई की मार जो है उनके बाजारों को ऊपर चढ़ने नहीं दे रही है। ये टेक्निकल रीजंस है। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है और इवन चाइना के अंदर भी महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अब उसके जो पैर हैं पसारने की जो बारी है वो ना केवल वर्ल्ड के बाकी देशों में बल्कि भारतीय महाद्वीप के अंदर और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे भारत में भी आने की पूरी संभावना बनी हुई है। और जिस तरीके से पीछे जो है सप्लाई चेन जो है डिस्टर्बेंस हुई है कोविड की वजह से, उसकी वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से पैटर्न बने जा रहे हैं, और जो तेज़ी का जो रुख होता है उसमें तेज़ी करने वाले को रोकने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो तेज़ी के अंदर ही अपनी पोजीशंस काट लेते हैं और मंदी की पोजीशन बना देते हैं जो कि हमारे को चार्ट पे नज़र आ सकते हैं। तो चार्ट पे आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमें वो इनिशियल साइन नज़र आ रहे हैं, तो उन इनिशियल साइंस को हमने आज कैप्चर करना है। बाजार देखिएगा 15,799 पे क्लोज हुआ, 15,800 पर बंद नहीं हुआ। इसका मतलब बियर ये के बताना चाह रहे थे कि देखिएगा हम बाजार को नीचे तो नहीं लाना चाहते, बस हम आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं, इंडिकेटिव दिखा रहे हैं कि 15,800 के नीचे बाजार को रखेंगे 0.65, यानी कि वो बिल्कुल मंदी नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस हमने अपने पोजिशन जो है लगभग तैयार कर ली है, बस हम अब प्रहार करने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप 16,000 ले आएँ तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं लाओगे तो हम पहले भी जो है अपना प्रहार कर सकते हैं। ये केवल और केवल शॉर्ट पीरियड के लिए 5-7-10 दिन के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं। ये देखिएगा आज का चार्ट, इस चार्ट के अंदर जो कैंडल आपको नज़र आएगी इस कैंडल को ध्यान से देखिएगा, ये जो कैंडल आज की है इसके अंदर जो बॉडी है वो नाम मात्र की है, जैसे एक दुबला पतला इंसान होता है। अगर इसकी बॉडी के साथ साथ अगर आप ऊपर की लाइन देखेंगे तो वो हालांकि नीचे की लाइन से छोटी है, और यही अगर आप इस आदमी को देखेंगे, किसी आदमी को जैसे किसी को मार पीट के टांग दिया हो, जान से मार के टांग दिया हो, उस तरीके का यहाँ पर आपको इंडिकेशंस नज़र आ रहे होंगे। इस पैटर्न को बोलते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न। अब ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है ये कैसे काम करता है, ये हैंगिंग मैन पैटर्न कैसे काम करता है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न जो काम करता है इसके अंदर एक सबसे खास बात ये है कि जब हम इस हैंगिंग मैन पैटर्न के बारे में पता लगाएंगे कि भाई ये हैंगिंग मैन पैटर्न क्या कहता है, तो हैंगिंग मैन पैटर्न ये कहता है कि देखिएगा बाजार एक जब अप ट्रेंड में चल रहा होता है और उसके बीच में जब हैंगिंग मैन पैटर्न बनते हैं तो बाजार अपना ट्रेंड रिवर्सल करने की ओर बढ़ता है। लेकिन ये नहीं है कि खाली आप इस कैंडल को देख के कह दें कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, और इससे मिलती जुलती कैंडल बनी भी थी बीच में भी, लेकिन वहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस नहीं था, अब यहाँ पर ऐसा क्या लग रहा है कि इंडिकेशन बन सकता है, मैं अभी 100% कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ। कभी आप सोच रहे कि मैं 100% कह रहा हूँ कि जी ट्रेंड रिवर्सल हो गई होगा, इसके लिए हमें सोमवार का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब सोमवार का इंतज़ार किस तरीके से करोगे कि सोमवार को आपने देखना है कि क्या होना चाहिए। देखिएगा सोमवार को ये कैंडल के सामने एक रेड कैंडल आनी चाहिए, यानी कि बाजार जहां भी खुले उसके नीचे बंद होना चाहिए, और आज की क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, यानी कि जहां आज की क्लोजिंग है उससे नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, और कोशिश ये हो कि आज के जो लो थे बाजार के अंदर उन लो के नीचे बाजार बंद हो।
यानी कि आज के जो लो थे 15,749, इसके भी नीचे जाके बाजार बंद हो जाए, रेड कैंडल बने और यहाँ पर फिर आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी। और इस कैंडल के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि फिर इस एक्सपायरी से पहले पहले 4 से 5 दिन तक बाजार बेरिश ट्रेंड के अंदर चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महीने के लिए चला जाएगा या 2 महीने के लिए चला जाएगा, लेकिन इनिशियली डेली चार्ट पे 4-5 दिन के लिए जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जाने की संभावना बन सकती है। ये है टेक्निकल रीजंस। तो देखिएगा, टेक्निकल रीजंस में आपको बात समझ में आएगी तो हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा मंडे की कैंडल का। अगर मंडे में वीकनेस बाजार में आ जाती है, जिसकी हमें काफ़ी अच्छी संभावना लग रही है, लेकिन कंफर्म नहीं, क्योंकि बाजार बहुत जबरदस्त बुल ट्रेंड के अंदर है। ध्यान रखिएगा, जिस तरीके की रैली हुई है एक तरफा, उसके अंदर इस तरीके के कमेंट्स करना जो है एक तरीके से पाप है। लेकिन क्या है कि हमें पहले ही देखना है, जो जो पहले देखेगा वो ज़्यादा खाएगा। तो जो पहले पहचान लेगा ट्रेंड को, वो अपने आप को बचा पाएगा। हम केवल यही आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इसकी अभी कोई ऐसा नहीं है कि आप जाओ सोमवार को सीधा सौदा ले लें। मैं केवल एजुकेशनल पर्पज से बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो मंडे फिर मैं आपको बोलूँगा वेट एंड वॉच, अगर ये कैंडल नहीं बनी बाजार फिर अब ट्रेंड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच जो है रखना पड़ेगा। अब देखिएगा, इस पूरे बाजार के अंदर ऑयल पैक के अंदर तेजी है रिलायंस के अंदर, क्योंकि रिलायंस का अभी भी एक मेजर पोर्शन ऑयल O2C बिजनेस है, और इसके अंदर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इनके रिफाइनरी मार्जिन बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि बाजार भी ये मान के चल रहा है टेक्निकली कि रिलायंस को स्ट्रेंथ दे रहा है, यानी कि रिलायंस की अर्निंग बढ़ने वाली है, यानी कि रिलायंस मजबूत होने वाला है, रिलायंस के मार्जिन बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि रिलायंस के मार्जिन बढ़ रहे हैं, यानी कि क्रूड ऑयल ऊपर जाने वाला है। बहुत समय के बाद पिछले 6 दिन से आप देखेंगे, 6 से 7 दिन से रिलायंस अप ट्रेंड में आ गया है। इसका जब से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, उस दिन से बाजार के अंदर बाकी शेयर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है और इन्हीं के दम पर जो है बाजार को ऊपर चलाया जा रहा है। अगर इस पूरी रैली में जो 700-800 पॉइंट की रैली की अगर हम बात करें, तो इसमें से 300 से 350 पॉइंट की रैली खाली रिलायंस के दम पे हुई है, ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। उसके बाद इन्फोसिस और TCS जैसे शेयर्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हो सकता है 100-200 पॉइंट और चला जाए, लेकिन उसकी भी संभावना मुझे अभी कम हो जाएगी अगर सोमवार को पैटर्न बन जाएगा तो। ICICI बैंक, L&T, अदानी, बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ। अब यहाँ पर ये जो चार्ट है, ये आज का चार्ट है खाली सुबह बाजार खुलने के बाद। तो ये देखिएगा, ये जिस तरीके से आज कैंडल बनी सुबह, बाजार गया ऊपर की तरफ मजबूती की तरफ, और मजबूती कहाँ तक गई आपके सामने। फिर देखिएगा बाजार नीचे आए और 12 बजे के आसपास एक जबरदस्त कैंडल बनी, उसके बाद रिलायंस के दम पर या जो बाकी शेयर्स उनके दम पर ऊपर चला गया, लेकिन फाइनेंशियल्स में दम नहीं आया। एडवांस डिक्लाइन भी बता रही है, देखिएगा जी, एडवांस सुबह चांद पे थे और शाम होते होते हवा में आ गए, जमीन पे तो नहीं आए, हवा में आ गए, और मंदड़िए जो थे उन्होंने डिक्लाइन वाले शेयर्स की नंबर्स बढ़ा दिए, तो गिरने वाले शेयर्स बढ़ गए, बढ़ने वाले घट गए। FIs के डेटा भी क्या कह रहे हैं जी, हम नहीं खरीदेंगे, कैश में आज डेटा नहीं है। हालांकि अभी तक 4,788 करोड़ की बाइंग है, लेकिन हमें लग रहा है इसमें डेरिवेटिव के सौदे कहीं कुछ और जगह बने हुए हैं। उसके बाद 666 करोड़ की DIs ने आज जो है इज्जत बचाई है निफ्टी की, उसको रोक लिया। इंडेक्स के अंदर सेलिंग है, जनरली लॉन्ग इंडिकेशन होता है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर बाएंगे, लेकिन अभी भी नेट सेलर है, और पिछले महीने की सेलिंग भी चल रही है अभी इनकी 12,000 करोड़ से ऊपर की। ध्यान रखिएगा पिछले महीने की, तो अभी भी स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर FIIs शॉर्ट ही हैं। टाटा स्टील, कोल इंडिया, JSW स्टील, हिंडालको, यानी कि मेटल्स को पकड़ा गया, TCS को पकड़ा गया, रिलायंस को पकड़ा गया, बजाज फाइनेंस को गिरने से रोक लिया गया, जिसके दम पर बाजार रुक पाया। कहां से बाजार गिरा, HDFC लाइफ, L&T, SBI लाइफ, इंडसइंड बैंक, डिवीज लैब, अदानी पोर्ट, भारतीय टेल, एक्सिस, ICICI, इंडियन ऑयल, बजाज फिनसर, अल्ट्राटेक, ITC, सिप्ला और SBI, ये गिरने वाले शेयर्स थे। और सबसे खास बात यह है कि आज जो बाजार में देखने के लिए मिला, जनरली जिस तरीके से आज SBI चला, ICICI बैंक चला, जब ये इस तरीके से पुल बैक करते थे ना, अभी अगर पिछले हफ्ते तक की बात करो, इन शेयर्स को गिरा पाना बड़ा मुश्किल होता था। अब ये क्या है कि अपने ही बोझ के नीचे गिर गए,
यहाँ से भी हमें एक संकेत मिल रहा है कि क्या ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और लेकिन ध्यान रखिएगा, मंडे की कैंडल का इंतजार करिएगा। बैंक निफ्टी अपने आप को 35,000 के ऊपर संभाल पाए, ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इसके लिए, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर सुबह खुला, ऊपर गया और ऊपर जाते के साथ सेलिंग करनी शुरू हो गई और लगातार सेलिंग होती रही और शाम तक उसने थोड़ा अपने आप को संभाल तो लिया, लेकिन सेलिंग लास्ट टाइम तक जा रही थी। जैसे ही बाजार ऊपर जा रहा था, माल बिकने के लिए आ रहा था। ये है इसका चार्ट। तो देखिएगा, ये चार्ट भी ये कह रहा है कि ट्रेंड तो इसने बन गया और इसका ट्रेंड रिवर्सल पहले आ गया है। आप देखिएगा, इसका ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है, ये 4 दिन पहले बन चुका है और उसकी कन्फर्मेशन भी आ गई। हालांकि इतना बड़ा हैंगिंग मैन पैटर्न नहीं है जितना भी निफ्टी पे बनने की तैयारी हो रही है। तो ये देखिएगा, इतना तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, निफ्टी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही निफ्टी में वीकनेस आएगी, आप जैसे ही निफ्टी में 100 पॉइंट की वीकनेस देखेंगे, 125 पॉइंट की, तो आप समझिएगा उसके अंदर 100 पॉइंट की वीकनेस तो बैंक निफ्टी जोड़ देगा। तो यहां पर सोमवार के दिन कैंडल बनने का इंतजार करिए और फिर उसके बाद ही देखिएगा कि किस तरीके के ट्रेंड जो है बनते हैं। ये बैंक निफ्टी का आज का चार्ट है। ये देखिएगा कैसे निफ्टी तो संभल गया था, देखिएगा बैंक निफ्टी, और उठ भी नहीं पाया ये, राइट। ऊपर से पटक के तो मारा लेकिन सांस ले पाया, बस खाना वाना खाने की तैयारी कर रहा था, इतनी देर में बाजार बंद हो गए। अब यहाँ देखिएगा, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा और इंडस, सब माइनस में थे। और कल मैंने आपके एक साथ एक बात की थी, मैंने कहा HDFC बैंक 3 दिन से गिर रहा है। अब ऐसा नहीं है कल नहीं गिरा सकते HDFC बैंक को, क्योंकि टेक्निकल बाउंस बैक आएगा और आज हुआ भी और HDFC बैंक में टेक्निकल बाउंस आ गया। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर आज HDFC बैंक में टेक्निकल बाउंस बैक नहीं आता, आना अगर आज की बारी नहीं होती, अब 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी को देखते आज। पुट कॉल रेशियो क्या कह रही है, पुट कॉल रेशियो 1.59 है निफ्टी में। तो देखिए, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में अब बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। पुट कॉल रेशियो कह रही है, अभी ऑप्शन के अंदर जो है, इस हफ्ते के ऑप्शन में जो है डेटा ज़्यादा बने नहीं है, इसलिए मैंने आज ऑप्शन जो है चार्ट आपके साथ जो है डिस्कस नहीं कर रहा। बस ध्यान रखिएगा, हैंगिंग मैन पैटर्न बन सकता है, हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया है। इसकी कन्फर्मेशन अगर रेड कैंडल के साथ आती है, यानी कि बाजार खुल के नीचे की तरफ आते हैं, तो आप ये देखिएगा कि अगर वो 2:30 बजे तक, 2:45 बजे तक बच गए और वो कैंडल बनने के लिए तैयार हो गई, तो 2:45 बजे बाजार के अंदर एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, इस हैंगिंग मैन पैटर्न का अगर कन्फर्मेशन बनता हुआ नज़र आया बाजार में, 2:30, 3:00, 3 बजे तक, इवन अगर 3 बजे तक अगर हैंगिंग मैन पैटर्न की सारी एक्टिविटी कन्फर्मेशन स्टार्ट हो गई, तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं ना, अपनी तेजी की पोजीशन को 3 बजे के बाद काट देंगे। तो ध्यान रखिएगा, तो 3 बजे के बाद, 2:30 बजे, 2:30 बजे, किसी भी समय पर एक क्रूशियल सेलिंग हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना वो तभी होगी अगर कैंडल रेड बनने जा रही है। तब अगर कैंडल ग्रीन बनने जा रही है तो इसका उल्टा ही होगा, फिर वो जबरदस्त जो है पुल बैक आएगा 3 बजे के बाद। तो आपको वो कैंडल देखनी है कि 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक किस तरीके की कैंडल बन रही है, या उससे पहले अगर वीक हो गई 2 बजे ही और फिर एक वीकनेस के साथ सेलिंग शुरू हो गई, तो ध्यान रखिएगा लास्ट के आधे घंटे में बहुत जबरदस्त सेलिंग हो सकती है। ये मेरे व्यू हैं। और ये जो सेलिंग है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि अब इस हफ्ते के अंदर, मैं इस हफ्ते की एक्सपायरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, ध्यान रखिएगा, मैं इस हफ्ते के अंदर, क्योंकि 4 ही हफ्ते थे इस बार, इस हफ्ते की एक्सपायरी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इस हफ्ते के कंधे पर रख कर बंदूक महीने के एंड की एक्सपायरी की चलाई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते में जो होगा उसके लिए सोमवार मंगल तक, मतलब इस सोमवार मंगल से, तो सोमवार के एंड से कन्फर्मेशन आनी चाहिए। अगर मंदी की आती है, तेजी की आती है, तो भाई साहब तेजी वाले खींच ले जाएंगे बाजार को, फिर तो 16,100, 16,200। लेकिन अगर कन्फर्मेशन आ गई इसकी कैंडल की, तो फिर भाई साहब देखिएगा मंदी की चपेट में आएंगे, फिर लास्ट के 2 दिन, जब एक्सपायरी से 2 दिन बचेंगे, तभी कोई पुल बैक आने की संभावना रहेगी। अदरवाइज 5 से 6 दिन तक बाजार को नीचे टेकने की पूरी कोशिश जो है BS करेंगे, और उस केस में 15,500 भी टूट सकता है और बाजार 15,100, 15,200 तक भी आ सकता है उस सिनेरियो के अंदर। और अगर वास्तव में फंडामेंटल से भी वीक हो गए, तो फिर इसके अलावा भी हो सकता है, बट इस महीने के लिए केवल इतना ही। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।